अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। कर्फ्यू के बीच 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की हालत जानने के लिए आईजी अरुण कुमार मित्तल ने शनिवार को सड़कों पर उतरे। उन्होंने ड्यूटी पर सैनिकों की स्थिति की जांच करने के लिए हर चेक पोस्ट पर वाहन को रोका और फिर उन्हें धूप से बचाने के लिए विटामिन सी की गोलियां, पानी की बोतलें, ओडोमस और छाते बांटे। उनके साथ एसएसपी डा नानक सिंह भी उपस्थित थे। आईजी ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान पुलिस के जवान 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। ड्यूटी पर रहते हुए उन्हें अच्छे स्वास्थ्य में रखने के लिए उन्होंने इन जवानों के लिए कुछ आवश्यक चीजों की व्यवस्था की है ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। हर चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों को मच्छरों से बचने के लिए रात में विटामिन सी की गोलियां, ओडोमस, पीने के पानी की बोतलें दी जा रही है। दूसरी ओर धूप से बचने के लिए हर चौकी पर छतरियों की व्यवस्था की जा रही है। यह सुविधा एक या दो दिन में सभी चौकियों पर तैनात पुलिस कर्मियों को उपलब्ध करा दी जाएगी। सारी पंजाब पुलिस ही अपनी ड्यूटी डेढ़ महीने तो उपर हो, डेढ़ महीने के करीब हो गया सारी ड्यूटी लगातार कर रहे हैं। तो मुलाजमान के वेलफेयर लिए असं एक स्टैप लिया रेंज के सारे एस एस पी सभा की सहयोग न पब्लिक के सहयोग न असं जिन्हें भी नाके है इंटरस्टेट नाका डिस्ट्रिक्ट नाका है जहाँ ये सिटी नाका है उन्होंने उपर असं अंबरेला लगा रहे हैं, पेडेस्टल फैन दे रहे हैं, थर्मस दे रहे हैं, प्लस जिन्नी साड़ी रेंज की फोर्स हैगी है अप्रोक्सीमेटली 60-70 हज़ार हैगी है जो कि बाहरों भी आए हुए हैं। सारे असं पीने वाली बोतल दे रहे हैं, उन्होंने मेडिसन दे रहे हैं, एक महीने की विटामिन सी नाल उन्होंने ओडोमस वगैरह दे रहे हैं। कुछ नहीं सर। हाँ जी सर, की ना थोड़ा तो यही जो अच्छे देखे गए आई जी साहब की देखे तुम किस तरह तरह देखे ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦਾ ਥਰਮਸ ਵਗੈਰਾ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।